नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर की जो इस वक्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मेरी ज़ाती कोशिश है कि मैं आपको अपडेटेड रखूं कि वो क्या हो रहा है, ताकि इट मेक्स यू थिंक कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचने में जो हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं सलीम साहब, आई वॉज़ रियली इंस्पायर्ड बाई हिज स्टोरी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम सलीम को ख़ुद इन्वाइट करें और सलीम से डिस्कस करें, या वो आपको अपना इनपुट देगा कि ये अभी जो ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है वो कैसा अभी तक है। तो सलीम, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है और मैंने शेप्स को 2008 में एज़ अ अटेंडेंट ज्वाइन किया था। तो उस वक्त मेरी एजुकेशन इस लेवल पे नहीं थी कि मैं मतलब इस सर्टिफिकेशन के लेवल पे पूरा उतरूं। सो शेप्स ने मुझे बूस्टअप किया, इवन के नीचे मोइन भाई थे, उमर भाई और जिनका नाम मुझे याद नहीं है, उन लोगों ने मुझे बूस्टअप किया कि यार तुमने इंटर तो किया है तो आगे बैचलर लेवल्स करो, बीए करो और उसके बाद एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेस करो, तो फिर तुम्हें हम ऊपर ले आएंगे और तुम्हारा कैरियर जो है एज़ अ फिटनेस ट्रेनर इन द फील्ड ऑफ फिटनेस वो काफ़ी ऊपर जाएगा। सो उनकी बातों ने मुझे बहुत बूस्टअप किया, तो आज मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं इस फिटनेस सर्टिफिकेशन को जो है एक अच्छे तरीके से अच्छी इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ। और स्पेशली अदनान साहब, जिनसे हम थोड़ा सा डरते थे कि अदनान साहब आ गए, तो आज शुक्र है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ टीचिंग मी वेरी ब्रिलियंटली एंड वी आर लर्निंग थ्रू नोट्स, थ्रू देयर ब्रीफिंग्स, थ्रू देयर लेक्चर्स एंड ऑल्सो थ्रू प्रैक्टिकल सेशंस। सो ये बताओ सलीम के ये ट्रेनिंग, आपने पहले भी माशाल्लाह इतनी ट्रेनिंग की है जी जी और मैंने जैसे कहता है बड़ी इंस्पिरेशन है, तो ये ट्रेनिंग कैसे आपको फ़र्क लग रही है बाकी ट्रेनिंग से? हाँ सर, एंड बी ऑनेस्ट, बिकॉज बाय द वे ये हमने कोई पहले रिहर्स नहीं किया। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्योरी इज़ अदर थिंग, बट थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकल ना हो तो थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं। और जिम ट्रेनिंग या ये सर्टिफिकेशन की फील्ड, जिम की फील्ड ऐसी है, अगर आपको प्रैक्टिकल अपने क्लाइंट को नहीं करवाना आ रहा, उसे बताना नहीं आ रहा, या वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो फिर आपका इस फील्ड में आने का कोई फ़ायदा नहीं। बट दिस सर्टिफिकेशन इज़ गिविंग अस मोर पावर एंड विल टू ब्रीफ पॉजिटिवली एंड एक्टिवली। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलीम माशाल्लाह 100% इंस्पिरेशन, और बात बड़ी अच्छी पिकआउट की सलीम ने कि दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो आपने नॉलेज सीखी है, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, अगर आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे और उनको एक अच्छे तरीके से प्रोग्राम नहीं बना के दे रहे जो कि साइंटिफिकली बैक्ड है, तो फिर उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और दैट्स व्हाट आवर फोकस हैज़ बिन, जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया। सो वी डूइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सो द आइडिया वाज टू टेल यू के यू नो देर आर नो लिमिट्स टू द ह्यूमन ग्रोथ, एज यू कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम एज अपनी जितनी भी उसकी लिमिटेशंस थी, ही इज़ बिन ब्रेकिंग दैम एंड ही इज़ अभी भी लेक्चर में देख रहे होते हैं, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग राइट एट द फोर फ्रंट। और दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन इज द नेम ऑफ द गेम इन एनी इंडस्ट्री, बट फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में वी आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट कि यहाँ पे एजुकेशन का सिलसिला हो, ताकि आप अगर ट्रेनर बनना चाह रहे हैं या ट्रेनिंग से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, इन बोथ केसेस यू शुड गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद द शेप्स सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर प्रोग्राम। थैंक यू सलीम। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।